जी आज ये जो ये डेपुटेशन है पंचायत गलाड़ से है, जिसमें तीन गांव पड़ते हैं, चकला, बैन और सोडी। वहाँ के जो किसान हैं उनकी ज़मीन जो बॉर्डर पे पड़ती है, पहले भी कई साल पहले भी इन लोगों से जो जगहें ली गई थी उनके मुआवजे 1984 के बाद इन लोगों को नहीं मिले। और अब दोबारा से वहाँ पे डिच का काम जो लगाया जा रहा है, बन का काम जो लगाया जा रहा है, उस वजह से लोगों की बन के दोनों साइड 100 फुट इस साइड और 100 फुट दूसरी साइड जगह दोबारा से ली जा रही है। इन लोगों को कोई अभी तक इत्तला नहीं कही, कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं कही, पुराना कॉम्पनसेशन भी अभी तक पेंडिंग है। तो ये किसान लोग हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो पहले इन लोगों से सलाह मशवरा कर लिया जाना चाहिए, इन लोगों को पहले कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, फिर उनके बाद जगह लेनी चाहिए। अगर जिनकी मालकियाँ हैं उनको मालकी के रेट देने चाहिए। और कई लोग जो रिफ्यूजीज हैं बेचारों को अभी तक कस्टोडियन लैंड है, तो उन धारा 370 टूटने के बाद भी सरकार, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि ना तो लोगों को मालिकाना हक दिए गए ताकि उनको जो मुआवजा मिले इतना मिले कि वो लोग अपना भरण पोषण कर सकें, और दूसरा अभी जो कस्टोडियन लैंड जगह जगह सांबा में जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, टारगेट करके जो कस्टोडियन लैंड निकलवाई जा रही है ताकि सस्ते में उनको जगह मिले, लेकिन जो किसान हैं वो खेती बाड़ी कहाँ करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि खेती बाड़ी ऐसी चीज़ है कि लोग छत पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो उनको जगह चाहिए। बट सांबा के किसानों को जो टारगेट करके उनको ख़त्म करने की जो चाल चली जा रही है, इनकी जगह नए नए प्रोजेक्ट्स कह लें या नए नए हथकंडे अपनाकर जो इनकी जगह वसूल निकाली जा रही है, इन लोगों को जो लैंडलेस किया जा रहा है, इस सब के हम विरोध करते हैं। और ये कहना चाहेंगे डीसी मैम से कि आप मौके पर जाकर देखें, जो लोगों का कॉम्पनसेशन पुराना भी पेंडिंग है वो भी दें, प्लस अगर दोबारा से जगह आप लोग ले रहे हैं तो पहले लोगों से डिस्कस करें, उसका कॉम्पनसेशन निर्धारित करें। अगर कॉम्पनसेशन के बदले आप लोगों को जगह के बदले जगह दे सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, ताकि किसान अपनी किसानी कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अपनी आने वाली पीढ़ियां चला सके। तो ये है साड़ी जड़ी जमीन है, कम से कम 45 साल से गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा बन पर, और किसानी कोई पैसा नहीं मिला था, जिसे साढ़े परिवार ने जो भुखे मरा देने, भुखे मरने का कारण यह है ना सानू जमीन दिती, ना कोई माजबा दिता, और जेल्लै भी फोर्स जंदी है कोई भी किस्म दे उत्थै काम करदे ने, सानू कोई भी खेतीबाड़ी करने दा उत्थै सारी खेती छोड़ी गै नहीं इन्हें, और अस इन्ने तंग आई चुके दे आ, साढ़ा कुदै भी गुजारा किसी भी किस्म कन्नै नहीं चला दा। गौरमेंट साढ़ा हक दिया और अपनी जमीन की पर वो कम करी सकती है, जब तक गौरमेंट सानू हक नहीं देग, ना सानू माजबा देग, ना सानू कीमत देग, तो अस किसी भी फोर्स की उस अपने जमीन अंदर काम नहीं करने देंगे। हमने कई बार पहले जिला प्रशासन को खूब बार आकर यहाँ बताया है कि हमारे को हक दिया जाए, किसी जिला प्रशासन ने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी। कम से कम 44 साल हो गए हैं, रफूजी अलाटमेंट जमीन है, हम रफूजी बसाए हुए हैं, वहाँ बॉर्डर एरिया है, जब जमीन नहीं रही हमारे पास तो हम लोगों ने बॉर्डर पर रह कर क्या करना है। हमारी यही प्रार्थना है कि डीसी मुख्य मौके पर जाए और हमारा मौका देकर हमारे को उसका जो माजबा जो हक बनता है, हर किसान को हक दिया जाए। हक नहीं दिया जाएगा तो कोई भी हमारा जमीन किसान भाई कोई भी काम नहीं करने देगा, चाहे हमारे को अपने परिवार के लिए जान क्यों ना देनी पड़ जाए।